What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. Sizzling brownie बना रहा हूँ आज, और ये कोई आम sizzling brownie नहीं है. आज जो brownie बनाने वाला हूँ वो eggless है, no oven है, oven की ज़रूरत नहीं है, baking powder, baking soda कुछ भी नहीं use करने वाला हूँ. और ये जो brownie है बहुत ही tasty बनती है, और साथ ही में इसका जो texture है वो बहुत ही beautiful होता है, अच्छी gooey brownie बनती है. और ये रेसिपी स्पेशली मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ जिनके पास oven नहीं है, microwave oven नहीं है, तो आप आसानी से ये brownie अपने घर पर बना पाओगे. साथ ही मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूंगा, अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में भी बना पाओगे. सिजलिंग ब्राउनी में चॉकलेट सॉस भी डाली जाती है, वो चॉकलेट सॉस भी होममेड घर पर कैसे बनाई जाती है वो भी आपको बताने वाला हूँ. ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है आज की सिजलिंग ब्राउनी के लिए. ब्राउनी कैसे बनाई जाती है घर पर, एगलेस और नो ओवन वाली, वो देख लेते हैं. एक बर्तन के अंदर पानी ऐड कीजिए और पानी को बॉइल पे ले आइए. फिर उसके ऊपर एक ग्लास या हीट प्रूफ बोल रख दीजिए. ये जो सेटअप है इसे बेन मेरी या डबल बॉयलर कहा जाता है. इसके अंदर हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे. अब हाफ कप या 70 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड ऐड कीजिए, साथ ही में 1/4 कप या 55 ग्राम्स बटर. अब दोनों चीज़ों को स्टर करते हुए आपको अच्छे से मेल्ट कर लेना है. एक बार चॉकलेट और बटर अच्छे से मिल जाएं और मेल्ट हो जाएं, तो इस बोल को निकाल दीजिए और साइड पर सेट कर दीजिए. अब इसके अंदर 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून या 85 ग्राम्स कैस्टर शुगर, साथ ही में 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर अच्छे से विस्क यूज करते हुए आपको स्टर कर लेना है और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेना है. एक बार शक्कर को आपने अच्छे से मिला लिया है, तब इसके अंदर आपको दही ऐड करना है. तो यहाँ पर 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून या 90 ग्राम्स दही मैंने ऐड किया है. दही को ऐड करके अच्छे से आपको मिला लेना है, अच्छे से स्टर कर लेना है. एक बार ये सारी चीज़ें मिल जाएं, अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. तो एक छन्नी ले लीजिए. अब इसके अंदर 1/2 कप या 55 ग्राम्स मैदा, 3 टेबलस्पून या 16 ग्राम्स कोको पाउडर और एक चुटकी भर नमक. ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी से छान लीजिए और वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लीजिए. अब अच्छे से एक स्पैचुला यूज़ करके सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं. ध्यान देना है कि आपको इस बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है. एक बार आपका बैटर इस तरीके से मिक्स हो जाए, आपका जो ब्राउनी का बैटर है वो रेडी हो गया. तो ब्राउनी का बैटर तो हमारा आपने देखा बहुत आसानी से बन गया. अब ब्राउनी को बेक करना है. अब बेक करने के लिए ओवन तो आज यूज़ नहीं करना है, नो ओवन ब्राउनी बना रहे हैं. तो ब्राउनी को बेक कैसे किया जाए, तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके का कुकर यूज़ कर रहा हूँ. अब कुकर को बेक करने के लिए तैयार कर लेते हैं. तो कुकर की पहले सीटी निकाल दीजिए, उसके बाद इसके ढक्कन पे जो रबर लगा होता है वो रबर भी निकाल दीजिए. अब इस तरीके का एक कटर जो है, मेरे पास एक राउंड कटर है, हाइट देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ. आप एक स्टीमिंग स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे अंदर प्लेस कर दीजिए. अब जो ब्राउनी की ट्रे आप यूज़ करने वाले हैं वो अंदर प्लेस करके देख लीजिए कि आपके कुकर में फिट हो रही है नहीं हो रही है. मैंने 5x5 इंचेस की ब्राउनी की ट्रे ली है. उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और हाई फ्लेम पर इस कुकर को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कीजिए. अब ब्राउनी की ट्रे को एक बटर पेपर से लाइन कर लीजिए. उसके बाद इसके अंदर जो हमारा ब्राउनी का बैटर है वो ऐड कर दीजिए. ब्राउनी का बैटर ऐड करने के बाद ट्रे को अच्छे से टैप कीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अगर इसके अंदर एयर बबल्स हैं तो निकल जाए और ब्राउनी का जो बैटर है वो अच्छे से फैल जाए. अब ब्राउनी को एक पकड़ की मदद से उठाकर कुकर के अंदर प्लेस कर दीजिए और कुकर का ढक्कन लगा दीजिए. अब लो फ्लेम पर आपको इस ब्राउनी को लगभग 20 मिनट के लिए पकाना है. तो ब्राउनी हमारी कुकर के अंदर बेक हो रही है, लगभग 20 मिनट में एकदम परफेक्ट बेक हो जाती है. कई बारी कुकर के साइज़ के हिसाब से और फ्लेम के हिसाब से टाइम जो है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है. लगभग 20 मिनट के बाद आप ब्राउनी को चेक कर सकते हैं. ढक्कन खोलिए कुकर का, एक टूथपिक अंदर डालिए. टूथपिक जो है आपका क्लीन निकलना चाहिए. अगर टूथपिक क्लीन निकल जाए मतलब है कि आपकी ब्राउनी जो है वो बेक हो चुकी है. अगर आपकी ब्राउनी थोड़ी अंडर बेक्ड है तो और 2-4 मिनट या 5 मिनट ऊपर पका सकते हैं. अगर कुकर में नहीं पकाना चाहते और अगर आपके पास एक ओवन है तो ओवन में 165 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट के लिए आप इस ब्राउनी को बेक कीजिए. एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं मैंने ब्राउनी को कुकर के अंदर प्लेस किए हुए. अब ब्राउनी हमारी पकी है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं. तो आप देख सकते हो ब्राउनी जो है हमारी बेक हो चुकी है. टूथपिक डालकर भी चेक कर लेते हैं तो टूथपिक भी हमारा एकदम साफ निकल गया है. हमारी ब्राउनी एकदम परफेक्टली बेक हो चुकी है. ब्राउनी को बाहर निकाल कर लगभग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए, जब तक कि ब्राउनी जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए अनमोल्ड करने से पहले. तो ब्राउनी रूम टेम्परेचर पे आ गई, इसे अनमोल्ड कर लेते हैं.
ब्राउनी को अनमोल्ड करने के बाद इसे चार सेक्शंस में मैं डिवाइड कर रहा हूँ और हमारी नो ओवन एगलेस ब्राउनी रेडी हो गई है। ब्राउनी तो हमारी तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट बनी है। क्या टेक्सचर आया है, एकदम अरोमा भी ब्यूटीफुल आ गई है। इसे अभी खाने से पहले हमें एक चॉकलेट सॉस भी बनानी है। सिजलिंग ब्राउनी आज बना रहे हैं। दूसरी बात, जो बैटर की क्वांटिटी मैंने आज ली है वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी बनाई है, क्योंकि कुकर के अंदर एक छोटी सी ट्रे फिट होती है। अगर आप चाहें दो तीन ट्रेस बनाना चाहते हैं या अगर ओवन में बना रहे हैं तो इन क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करके ज़्यादा ब्राउनी बना सकते हैं। इस बैटर से आपको चार अच्छे साइज़ की ब्राउनीज मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि चॉकलेट सॉस होममेड कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए एक पैन को हाई फ्लेम पर सेट कर दीजिए, फिर उसके अंदर 210 ml या 2/3 cup दूध ऐड कीजिए, फिर 1.5 cup या 350 grams कैस्टर शुगर ऐड कीजिए। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो चीनी है वो हमको अच्छे से डिसॉल्व कर लेनी है दूध के अंदर। तो आप देख सकते हो दूध के अंदर चीनी डिसॉल्व हो गई और हल्के से सिमर पे आ गई है, तो गैस को बंद कर दीजिए। अब इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करना है, तो एक छन्नी के अंदर 32 grams या 1/3 cup कोको पाउडर और 1 gram या 1/4 teaspoon नमक ऐड कीजिए और इसे छान कर आपके दूध और चीनी वाले मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि इसमें गट्ठे पड़ रहे हैं तो एक विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पर इस मिक्सचर को आपको मिक्स करते हुए पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल नहीं जाती हैं। लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे इन सारी चीज़ों को मिलने में। आप देख सकते हो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इस स्टेज पर 90 grams डार्क चॉकलेट कॉम्पाउंड इसमें ऐड करना है। अब अच्छे से फिर से आपको स्टर करते रहना है जब तक कि चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती है। एक बार चॉकलेट मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर 60 grams या 4 tablespoons मक्खन ऐड करना है। मक्खन को मैं 2 batches में ऐड कर रहा हूँ, तो आधा मक्खन ऐड करके अच्छे से मिक्स कीजिए। एक बार बटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो बाकी का भी आधा मक्खन ऐड करके आपको स्टर करना है जब तक कि मक्खन सारी चीज़ों के साथ मिल नहीं जाता। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तब इसके अंदर 5 ml या 1 teaspoon वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारी होममेड चॉकलेट सॉस रेडी हो गई है। तो होममेड चॉकलेट सॉस इस तरीके से बनती है और ये वाली जो चॉकलेट सॉस का फ्लेवर है, टेस्ट है, टेक्सचर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है बाजार की चॉकलेट सॉस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। आप बाजार की भी चॉकलेट सॉस यूज़ कर सकते हो सिजलिंग ब्राउनी बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। तो हमारे 2 major कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं। अब बस सिजलिंग ब्राउनी के लिए सिजलिंग प्लेट को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपकी सिजलिंग ब्राउनी की प्लेट अच्छे से गर्म हो जाए तब इसे आप प्लेट कर सकते हैं। सो लेट्स प्लेट आर सिजलिंग ब्राउनी वाईफल स्टाइल। सिजलिंग ब्राउनी पहली बार आज मैंने वाईफल पर बनाई है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही अमेजिंग ब्राउनी बनती है और आप बता ही नहीं पाओगे कि ये ओवन में बनी हुई है। इतनी ज़बरदस्त बनेगी, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा, एकदम गुई बनेगी और आप ये ब्राउनी बार बार अपने घर पर बनाओगे। जब भी ये ब्राउनी अपने घर पर बनाओगे मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना ये रेसिपी कैसी लगी आपको। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल सिजलिंग ब्राउनी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।